आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे योग के सीरीज में मैं बात करने जा रही हूँ गैस्ट्रिक की। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के चलते कई सारी समस्याओं का जो है हमें सामना करना पड़ता है, और गैस्ट्रिक के चलते जहाँ जहाँ गैस्ट्रिक होता है वहाँ वहाँ हमें दर्द शुरू हो जाता है, और कई बार ये दर्द सीने में भी उठता है और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं हार्ट की समस्या तो नहीं है। और ऐसे में किस तरह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम का निवारण किया जा सकता है, इस समय हमारे साथ योग गुरु प्राचार्य जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार गैस्ट्रिक एक ऐसी समस्या जिसे हम काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो काफ़ी समस्या जो है वो खड़ी कर देती है। जी प्राचार्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप गैस्ट्रिक को लेकर, जिसे हम काफ़ी लाइटली लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। सबसे घातक और सबसे खतरनाक जो आज के युग में जो बीमारी है, वो सबसे जो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है वो गैस्ट्रिक ही है। गैस से आपको क्या क्या बीमारियां होती हैं, गैस से आपको सिर में पेन होती है, आंखों में पेन होती है, शरीर में जलन होती है, खट्टा पानी बनता है, हार्ट प्रॉब्लम इससे बनती है जाके, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है, मन बेचैन हो जाता है, बेचैनी होती है, बुरे बुरे ख्वाब आने लगते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम जा रहे हैं कभी गिर ना जाए, कुछ और नहीं हो जाए। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो कम से कम भी 108 प्रकार के रोग इस गैस से बनते हैं जी। और सबसे ज़रूरी बात है कि गैस कैसे हो जाती है, जैसे कि हमको बहुत गर्म रोटी भी नहीं लेनी चाहिए, अधिक खटाई हमको नहीं लेने चाहिए। और मैं पूजा ठाकुर जी आपके प्रश्न में एक बात जरूर बताता, तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, इस समय हमें बहुत भोजन भी नहीं लेना चाहिए और हमें इस समय खटाई दही बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जो मौसम के अनुसार, समय के मौसम अनुसार जब आहार हम विहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है। लोगों को आजकल खाने का तरीका पता नहीं, उन्होंने पेट को तो डस्टबिन बना लिया, तो फिर गैस्ट्रिक तो होगी ही नहीं। चलिए मैं ये बताता हूँ कि गैस को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले आप खाली पेट सुबह गर्म पानी लें, जाकर आप फ्रेश हो जाएं, नहा धोकर आप बैठें, और जहां आप करते हैं ना कि हमें वेड टी लेनी है, तो वेड टी को सबसे पहले बंद कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा आदत बन चुकी है तो बिना दूध के चाय लें, दूध वाली चाय बिल्कुल भी कतई ना लें, पहले तो लें ही नहीं, लें तो बिना दूध की चाय लें। और दूसरी बात, आप सुबह योग करें, सबसे पहले आप 50 बार या 100 बार कपालभाति करें, कपाल पाते। इसके बाद आप अग्निस्नान करें, पूरी तरह से पेट को खाली करें, श्वास को रोकें, पेट को चलाएं, इस प्रकार से। और उसके बाद आप पुनः कपाल पाते करें, इस पॉइंट को भी दबाएं, जो पॉइंट होता है ना बीच में, इसे दबाएं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी हो, तो घबराहट हो रही हो, कोई साधन नहीं मिल रहा हो, तो जहाँ पर थोड़ा सा घी लगाएं और इसको दबाएं, और जरा विचार कीजिए, जिस समय भी आपको गैस की प्रॉब्लम होगी और इस जगह पे यह जगह आपकी टाइट हो चुकी होगी, बहुत हार्ड हो चुकी होगी, बस इसको दबाएं, दबाने पर आपको पता चल जाएगा, अगर दर्द हो रही है तो आपको गैस की प्रॉब्लम है। गैस बहुत बुरी चीज़ है, अगर गैस सिर में चढ़ जाए तो बंदे को ऐसा लगता है कि ना जाने मेरे साथ आज क्या होने वाला है, कुछ बुरे बुरे ख्वाब आना प्रारंभ होते हैं, और अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है। सावधानी के लिए तला वला ये सब चीज़ें बंद करें, सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल ना लें, इस समय दही ना लें, ज़्यादा खटाई ना लें, ज़्यादा गर्म रोटी भी ना लें, प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप रोज़ कपालभाति जरूर करें, प्राणायाम करें, थोड़ा भ्रामरी करें, और जल का सेवन अधिक करें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस तरह से हमने बात की गैस्ट्रिक को लेकर। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हमने जिस तरह से शुरुआत में ही बताया कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में खतरनाक रूप जो है वो ले सकता है, और ऐसे में आपको सुबह कुछ मिनट की एक्सरसाइज करनी, कुछ मिनटों में आपकी गैस्ट्रिक की समस्या जो है वो हल हो सकती है, अगर आप रूटीन में इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। और साथ ही साथ सावन का महीना चल रहा है, साफ तौर से उन्होंने कहा कि दही का उपयोग, तले का उपयोग और खट्टे का उपयोग हमें कम करना चाहिए या तो करना ही नहीं चाहिए। तो उम्मीद ये करते हैं कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जिनको है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो ये योगासन करके इस समस्या से राहत पा सके। अगले बड़े का फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।